They're going to be now escorted up the dais, and then we'll be ready to begin. To felicitate our guests, I'd like to now call on stage Mr. Sunil Soni, Secretary in the Ministry of Overseas Indian. Ladies and gentlemen, भारत को स्वाभिमानी, सशक्त और स्वावलंबी भारत बनाने का काम केवल भारतवासी नहीं कर सकते हैं, जो भारत में रहते हैं केवल वही नहीं कर सकते हैं, बल्कि आप जैसे प्रवासी भारतीयों के भी कंट्रीब्यूशन की भारत को जरूरत है, तभी हम जाकर इस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी की मैं बार बार यहां पर चर्चा करना चाहता हूं। क्यों चर्चा करना चाहता हूं? इसलिए मैं आप सबका यह आह्वान करना चाहता हूं, आइए हम सभी मिलकर भारत में इतना अधिक निवेश करें, इतना अधिक निवेश करें कि भारत को केवल एक इकोनॉमिक पावर ही नहीं बल्कि एक सुपर इकोनॉमिक पावर के रूप में हम स्टैब्लिश कर सकें। इसमें आप सभी का सहयोग चाहिए। तो मेक इन इंडिया माध्यम से इस योजना के माध्यम से ऐसे हालात यहां पर पैदा करना चाहते हैं कि भारत की धरती पर बना हुआ कोई भी सामान दुनिया के दूसरे देशों में जाए और उसमें लिखा हो मेड इन इंडिया, तो लोग कहें कि सुपर क्वालिटी का आइटम यदि कोई हो सकता है तो भारत की धरती से बना हुआ आइटम ही सुपर क्वालिटी का आइटम हो सकता है, इससे कम नहीं है। यहां तक हम उसे ले जाने में कामयाब होंगे, यह मुझे पूरा विश्वास है। और मेक इन इंडिया है, यह नई स्कीम लॉन्च होने से बेरोजगारी की समस्या का भी समाधान काफी हद तक हमको निकालने में कामयाबी हासिल होगी।